Hello, I am Dr. Dhananjay Chauhan, dermatologist and hair transplant surgeon, hair MD and clear skin Pune. बहुत सारे लोगों को मिनोक्सिडिल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं. इन्होंने हमारे चैनल पे आके बहुत सारे लोगों ने पूछा है. उनमें और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग पूछ रहे हैं हाउ टू अप्लाई मिनोक्सिडिल, कैसे हम मिनोक्सिडिल अप्लाई करें और डिफरेंट फॉर्मुलेशंस कौन कौन से हैं मिनोक्सिडिल के. 2% 5% देर आर सो मेनी परसेंट मिनोक्सिडिल अभी अवेलेबल है, लेकिन थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्म में मिनोक्सिडिल अवेलेबल है. फर्स्ट इज लोशन, ये सॉल्यूशन फॉर्म में, लोशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है. दूसरा है फोम, यानी फोम है ये, और तीसरा है जेल फॉर्म, इट इज सेमी सॉलिड, इट इज जेल फॉर्म. तो ये लिक्विड, फोम एंड जेल, ये तीन फॉर्म में कॉमनली मिनोक्सिडिल अवेलेबल है और वो बहुत सारा यूज किया जाता है. सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं लोशन, देन फोम एंड देन नाउ जेल. मैं आपको हाउ टू अप्लाई मिनोक्सिडिल ये बताता हूँ. इसके ऊपर हम लोगों ने पर्पसफुली कागज लगाया. मुझे कोई भी किसी भी कंपनी की एडवर्टाइज करनी नहीं है. जो कुछ आपके पास मिनोक्सिडिल रहेगा उसके लिए ये सब कुछ सेम है. इथिकली और बीइंग अ कंसल्टेंट एंड डॉक्टर, मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगा. जेनरिकली आई विल से कि ये मिनोक्सिडिल कैसे यूज करते हैं. अभी लोशन जब हम लोग यूज़ करते हैं, इधर 2% 5% कौन सा भी लोशन रहे, तो लोशन फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तब दो तरीके के ड्रॉपर आपको दिए रहते हैं. एक रहता है ये लिक्विड लेने का ड्रॉपर और दूसरा ये लगाया हुआ स्प्रे. ड्रॉपर में 0.5 ml और 1 ml के दो मार्क रहते हैं. मिनोक्सिडिल का डोज आपको तो मालूम है, सुबह 1 ml और रात को 1 ml. और ये 1 ml आप ड्रॉपर से यूज कर सकते हो या स्प्रे के. मैक्सिमम मिनोक्सिडिल प्रिपरेशन में जब हम लोग स्प्रे यूज करते हैं तो एक स्प्रे में, एक बार स्प्रे ऐसे दबाया, ऐसे ये देखो, एक बार स्प्रे यूज किया तो इसमें 0.2 ml मिनोक्सिडिल जाता है. यानी पांच बार अगर स्प्रे किया तो हमारा एक टाइम का डोज खत्म हो गया. अभी वो पांच टाइम स्प्रे करना है हमें, तो समझो जिसका ज़्यादा गंजापन है उसके लिए तो फिर पांच ही जगह हमें स्प्रे करना पड़ेगा. तो ये स्प्रे है, ये जो स्प्रे है यूजुअली 8 से 10 सेंटीमीटर पे पकड़ा जाता है. इसका ये नोजल आगे पकड़ा दिया, फिर यहाँ मारना है तो पांच जगह मारना है. कौन कौन सी जगह पे मारेंगे, पहला तो ये क्राउन, यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, ये एक हो गया. दूसरा राइट साइड ऑफ मिड स्काल्प, लेफ्ट साइड ऑफ मिड स्काल्प, एक दो तीन हो गए, अभी और दो बज गए. तो फ्रंटल, ये राइट साइड से फ्रंटो टेम्पोरल, लेफ्ट साइड से फ्रंटो टेम्पोरल, फिनिश. ये पांच जगह मारो, ये करो, 6 to 10 सेंटीमीटर पे ऐसे पकड़ो, सेंटर पे ये ले लो, ये देखो ऐसा एक स्प्रे मार दिया, हाथ से ले लो, स्काल्प को ऐसे रैप करो, दिस इज प्रॉपर एप्लीकेशन. ऐसे ही यहाँ एक मारो, यहाँ एक मारो, एक दो, ऐसे पांच जगह मार दिया, हाथ से रब किया, स्काल्प पे उसको रब कर दिया, फिर दिस इज द आइडियल वे और कॉमनली पीपल यूज सच टाइप द स्प्रे. इंपॉर्टेंट थिंग इसमें एक ही है, आफ्टर मिनोक्सिडिल यूज करने के बाद आप आपका हाथ धोना ही है वॉश बेसिन में जाके, नहीं तो इधर उधर लगने के बाद, ये अच्छी तरह से इधर उधर जाने के बाद वहाँ भी बाल आने के चांसेस है, स्पेशली फीमेल में या मेल में भी, मेल में भी चिक्स पे या यहाँ आने के चांसेस है, फीमेल में अगेन प्री ऑरिकुलर एरिया यानी यहाँ गाल के ऊपर या यहाँ भी आ सकते हैं, इवन मुस्टैच एरिया में भी आ सकते. दूसरा फॉर्म है ये जो स्प्रे हो गया, दूसरा फॉर्म में लोशन ही हम लोग ड्रॉपर से करते हैं, 0.5 ml और 1 ml. हम लोग पेशेंट को बताते हैं आप पहले 0.5 ml ले लो, गेट एडजस्टेड या ऐसे 0.5 ml ले लिया, तो ये लेने के बाद
पहला क्राउन एरिया पे ये डालो 20 ड्रॉप्स 25 ड्रॉप्स यूजुअली 1 ml में रहते हैं। तो पहले ये 0.5 ml से एक ड्रॉप डालो, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, फिर इसको रब करो, स्पेशली ये क्राउन एरिया में पहले करो, फिर आगे। मैंने पेशेंट को, हम लोग बताते हैं पहले 0.5 ml और बाद में 0.5, क्योंकि अगर ज़्यादा ले लिया, कभी ज़्यादा प्रेशर हो गया तो वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो 0.5 एक आधा मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट इट इज़ सेफ। तो आधा 0.5 ml में इतना एरिया ख़त्म करो, अगेन दूसरी बार 0.5 ml ले लो, अगेन वो फ्रंटो टेम्पोरल एरिया इधर 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 ड्रॉप डालो, एंड देन वी कैन रब इट टू द स्कैल्प। व्हाट इज प्री रिक्विजिट फॉर दिस इंपॉर्टेंट थिंग? सुबह नहाने के बाद और रात को सोने के पहले लगाना। नहाने के बाद स्कैल्प ड्राई करना है, वेट स्कैल्प पे एब्सॉर्प्शन अच्छा नहीं है, डाइल्यूशन होने के चांसेस, इसलिए टॉवेल से अच्छी तरह से ड्राई करो। इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज लोशन। लोशन के ड्रॉबैक्स क्या है? यूजुअली इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और अल्कोहल बेस ये रहता है, उसी की वजह से ज़्यादा ड्राइनेस, इरिटेशन और रेडनेस ऐसे हो सकता है, फ्लेकी स्काल्प आ सकता है, ज़्यादा ऊपर सफ़ेद जैसे सॉल्ट जैसे लगता है। तो ऐसे लगा भी सॉल्ट जैसे या सफ़ेद बाल हो भी गए ऊपर से, वो मेडिसिन की वजह से, क्योंकि प्रोपिलिन ग्लाइकॉल या अल्कोहल उड़ जाता है और मेडिसिन वहाँ रहता है और आपको लगता है कि मेरे को ये सफ़ेद जैसा ये ड्राई बाल लग रहे। तो ऐसे टाइम में अगेन हाथ धो के पानी ज़्यादा जो है वो निकाल के जस्ट वेट हाथ से ही बालों के ऊपर ऐसा करेंगे तो वो ऊपर का ड्राइनेस और सफ़ेदनेस और सॉल्टी जैसा चीज़ निकल जाएगा। ये ड्रॉबैक से बचने के लिए ये फोम आ गया। लोशन 1988 में USFDA ने अप्रूव कर दिया गंजेपन के लिए, एंड फोम 2006 में अप्रूव कर दिया। एडवांटेज फोम के क्या है? फोम में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बेस नहीं रहता है, इसलिए इरिटेशन या ड्राइनेस ये नहीं रहता, यूजुअली नहीं रहता। लोशन में अराउंड 5% 6% लोगों में उसकी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की वजह से इरिटेशन, रेडनेस, ड्राइनेस, फ्लेकी और रूसी जैसा, डैंड्रफ जैसे लगता है, लेकिन फोम में वो 1% के नज़दीक ही है। एंड सेकंड, ऐसे ऑब्जर्व किया है बहुत सारे पेशेंट में, लोशन से फोम बेहतर है, एंड इसीलिए आजकल फोम यूज़ करते हैं। फोम यूज़ करते समय कैसे करना है? ये कैप रहती है फोम की, ये फोम रहता है, इसको यहाँ दबा के इसका अटैचमेंट सामने का जो ये है ये ब्रेक करने का, एंड देन ये फोम लेने का, ऐसे हिलाने का, सो दैट दिस एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एंड देन ये नोज़ल नीचे करने का। ये जो कैप है इसमें इसे इस तरह से धीरे से ऐसे लेने का, हाफ कप फुल ऑफ फोम लेने का है। इट इज़ यूजुअली 1 ml, देन ये उंगली के ऊपर ले लो, ट्राई टू अप्लाई फर्स्ट ऑन क्राउन एरिया, देन मिड स्काल्प, अप्लाई टू द स्काल्प, नॉट टू द हेयर, मेनली यू शुड अप्लाई ऑन द स्काल्प एंड रब इट लाइक दिस। तो आपको एक या दो सिटिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लगाना है, एक उंगली पे कितना लेना है, वो कितनी जगह पे काम करेगा, स्पेशली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, एक या दो सिटिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ हमारा रह गया, एंड देन फिनिश इट 1 ml मॉर्निंग 1 ml नाइट। एंड ये सब करते समय दो चीज़ ध्यान में रखना है कि ये सब होने के बाद यू हैव टू वॉश योअर हैंड्स अगेन, ऊपर कुछ हेयर ड्राई या फ्लेकी या सॉल्टी या सफ़ेद ऐसे लगने लगे ड्यू टू लोशन या फोम, देन उसको हाथ धो के पानी से ऊपर से हल्के हाथ से पोंछना है, हैंडकरचीफ से पोंछना है या टिश्यू से पोंछना है। सो दीज टू फॉर्म्स आर कॉमनली यूज। विच इज़ थर्ड फॉर्म अवेलेबल? इट इज़ जेल फॉर्म।
जेल यानी ये सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट रहता है, इसे भी ऐसे दो ट्यूब रहते हैं, एक 30 ग्राम की रहती है, दूसरी 30 ग्राम की जेल रहती है। यूजुअली एक ट्यूब 15 दिन सफिशेंट हो जाती है। ये ट्यूब है, इसमें से 1 ग्राम लेना है उंगली पे। यूजुअली ये सफिशेंट लिमिटेड एरिया है, उस एरिया में यूजुअली जेल यूज़ करते हैं। आजकल तो जेल की फैशन है, लेकिन ये बालों का जेल नहीं है, ये मिनोक्सिडिल का जेल है। यू हैव टू अप्लाई ऑन द स्काल्प। एब्सॉर्प्शन इज ऑल्सो गुड विद जेल फॉर्मुलेशन, बट वेन एवर लिमिटेड एरिया वी हैव टू कवर, देन जेल इज हैविंग एडवांटेजेस। सो ये तीन डिफरेंट फॉर्म है, लोशन, फोम एंड जेल। फोम का प्रॉब्लम इफ़ अच्छे कंपनी का नहीं है, इफ फोम इज नॉट स्टेबल, देन थिंग्स आर डिफिकल्ट बिकॉज इट्स एफिकेसी इज नॉट दैट मच। स्पेशली इन समर में अगर टेम्परेचर 42 से ज़्यादा हो के 45-47 हो गया, तो बहुत कम कंपनियों के फोम ये स्टेबल फॉर्म में है, तो चांसेस दैट इज एफिकेसी में बी लेस। सो बी अवेयर ऑफ दैट, कीप इट एट 24 डिग्री या समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही इसमें ऐसे घर में दीवार के नज़दीक या जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ मत लगाओ, लगाने के पहले हिलाओ एंड यूज। सो दीज आर द सिंपल वेज, फोम, जेल एंड लोशन फॉर्म, वॉट एवर सूट्स टू यूअर स्किन, वॉट एवर यूअर डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस, यूज दैट फॉर्म ऑफ मिनोक्सिडिल अप्लाई। और इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके बारे में, जो मिनोक्सिडिल की आप बॉटल ले लोगे, फोम की हो, जेल की हो या लोशन की हो, वहाँ पिक्टोरियल ऐसे पिक्चर निकाल के ही आपको समझाया रहता है कैसे यूज़ करना है। मैं क्यों समझा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, दो इट इज़ अवेलेबल वहाँ लिखा है, फिर भी लोगों की इच्छा थी कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो प्रैक्टिकली जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना कर दिया। इसके बारे में थेरोटिकल जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मेरे वेबसाइट www.hairmdindia.com पे आपको मिल सकती है, या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं वहाँ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको और कोई इसमें क्वेश्चंस है या कोई भी डिफ़िकल्टी है, आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं हमारा ये प्लेटफॉर्म, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जितने जल्दी हो सके आपके क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है एजुकेट द पेशेंट। फिर भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जो कुछ रिसेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आस्क अस। थैंक यू वेरी मच।